नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता बागड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज हम बीएड सेमेस्टर 4 के पेपर 8B नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 से यूनिट 6 का एक टॉपिक कर रहे हैं, जो है पीरियोडिसिटी ऑफ इवोल्यूशन, जिसके अंतर्गत हम करेंगे कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक इवोल्यूशन, सतत एवं आवधिक मूल्यांकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ इवोल्यूशन, तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पीरियोडिसिटी क्या होती है, आवधिकता। पीरियोडिसिटी इज द फैक्ट ऑफ समथिंग हैपनिंग एट रेगुलरली स्पेस्ड पीरियड ऑफ टाइम। आवधिकता नियमित रूप से समय समय पर होने वाला कोई तथ्य है। तो ऐसा कोई तथ्य जो नियमित रूप से समय समय पर हो रहा है, तो उसे हम आवधिकता कहेंगे या पीरियोडिसिटी कहेंगे, ऐसे किसी तथ्य की या घटना के बारे में। इसकी प्रकृति किस तरह की होती है? द कैरेक्टर ऑफ बीइंग पीरियडिसिटी, द टेंडेंसी टू रिक्योर एट रेगुलर इंटरवल्स, नियमित अंतराल पर पुनरावृत्ति करने की प्रवृत्ति। तो जो भी तथ्य है, घटना है, गुण है, तो वो जो निश्चित समय पर निश्चित अंतराल पे हो रही है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार हो रहा है निश्चित समय पे निश्चित अंतराल पे, तो वो चीज़ हम कहलाएगी आवधिकता। तो ये आवधिकता की प्रकृति होती है कि निश्चित समय पर निश्चित अंतराल पर जिसकी पुनरावृत्ति हो। डेफिनेशन द्वारा थोड़ा समझ लेते हैं इसे। डेफिनेशन ऑफ पीरियडिसिटी, द क्वालिटी स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग रेगुलरली रिकरेंट और हैविंग पीरियड्स, नियमित रूप से पुनरावृत्ति या अवधिक होने की गुणवत्ता, स्थिति या तथ्य। किसी भी तथ्य, किसी कोई भी फैक्ट, स्थिति है या गुणवत्ता है किसी का, तो वो अगर नियमित रूप से उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, नियमित रूप से नियमित समय पर नियमित अंतराल पर जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो कहलाएगा आवधिकता या पीरियडिसिटी। जैसे कि फुल मून होने की घटना जो होती है 29.5 डेज़ के बाद पुनः होती है, तो जिसकी पुनरावृत्ति हमेशा हर बार 29.5 डेज़ के बाद हो रही है, लगातार हो रही है, तो ये घटना जो कहलाएगी पीरियडिसिटी है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है पीरियडिसिटी का। अब हम देखते हैं कि पीरियडिसिटी ऑफ इवेल्यूशन क्या है, मूल्यांकन की आवधिकता। फॉर एन इवेल्यूशन मेथोडोलॉजी टू बी सक्सेसफुल, रेगुलर इवेल्यूशन मस्ट बी टेकन प्लेस। एक मूल्यांकन पद्धति में सफल होने के लिए नियमित मूल्यांकन होना चाहिए, मतलब समय समय पर उसका मूल्यांकन होते रहना चाहिए। तो मूल्यांकन की आवधिकता एक मूल्यांकन है जिसे नियमित आधार पर पुनरावृत्ति करनी चाहिए। तो मूल्यांकन की आवधिकता या पीरियडिसिटी ऑफ इवेल्यूशन इस तरह का इवेल्यूशन है जिसका एक नियमित या रेगुलर बेसिस पे जिसके पुनरावृत्ति या बार बार जो होना चाहिए। प्रत्येक मूल्यांकन के बीच का समय अंतराल साप्ताहिक, मासिक, छमाही या वार्षिक भी हो सकता है। तो इस तरह का जो मूल्यांकन है निश्चित समय पर निश्चित अंतराल पे निश्चित गैप के बाद होना चाहिए। जैसे कि जो साप्ताहिक हो सकता है, हर सप्ताह जो लिया जा सकता है, जैसे मंडे अगर एक दिन फिक्स कर लिया तो मंडे टू मंडे जो टेस्ट हो रहे हैं तो वो साप्ताहिक हो गया। मासिक, मंथली जो टेस्ट होते हैं वो हैं। छः महीने के बाद जो टेस्ट होंगे, इवेल्यूशन होगा, तो वो हम कह सकते हैं कि वो पीरियडिसिटी इवेल्यूशन है। वार्षिक हो सकता है, तो इस तरह के जो इवेल्यूशन है वो कहलाते हैं पीरियडिसिटी ऑफ इवेल्यूशन। इसके अंतर्गत हम दो तरह के इवेल्यूशन का अध्ययन करेंगे। पहला है कंटिन्यूस इवेल्यूशन, सतत मूल्यांकन, और दूसरा है पीरियडिक इवेल्यूशन, आवधिक मूल्यांकन। पहले हम स्टार्ट करते हैं सतत मूल्यांकन से, कंटिन्यूस इवेल्यूशन। कंटिन्यूस इवेल्यूशन का अर्थ, द टर्म कंटिन्यूस रिफर टू रेगुलरिटी इन असेसमेंट। जो कंटिन्यूस शब्द है वो मूल्यांकन की नियमितता से है, मतलब मूल्यांकन नियमित रूप से चलता रहता है, उस तरह के मूल्यांकन को हम सतत मूल्यांकन कहेंगे। तो एक बच्चे का विकास एक सतत प्रक्रिया है जो सतत निरंतर होते रहता है बच्चों का विकास, इसलिए छात्रों के विकास का लगातार मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
छात्रों में जो भी मूल्यांकन हो रहे हैं डे टू डे, उनका मूल्यांकन जरूरी है। मूल्यांकन को पूरी तरह से शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए कि बच्चे किस तरह का सीख रहे हैं, डेली डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो उनका मूल्यांकन भी उसी तरह से लगातार होना चाहिए, जिससे ये जानकारी प्राप्त हो सके कि बच्चों ने जो सीखा है वो कितना सीख पाए हैं, कितना उन्होंने ग्रैप कर पाए हैं, पकड़ पाए हैं, और कहाँ उनमें कमी रह गई है जो वो नहीं सीख पाए हैं। तो उसमें अगर सुधार की संभावना है तो फिर उसको उसमें सुधार किया जाएगा। तो इस तरह का मूल्यांकन, जो सतत मूल्यांकन है, वो नियमित रूप से चलते रहना चाहिए। तो जो मूल्यांकन नियमित लगातार चलते रहता है, होते रहता है, उसे ही सतत मूल्यांकन कहेंगे। तो सतत शब्द में सतत और आवधिकता मूल्यांकन के पहलू शामिल है। जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है उसमें कंटिन्यूस और आवधिकता या पीरियडिसिटी। तो कंटिन्यूस मतलब नियमित रूप से होते रहना है, और पीरियडिसिटी मतलब निश्चित समय अंतराल पे होना है। तो ये दोनों ही पहलू जो है मूल्यांकन के, वो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन में होना चाहिए। कंटिन्यूअल एस्पेक्ट रिफर्स टू द असेसमेंट ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस ऑन वेरियस एस्पेक्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, समटाइम्स रिफर्स एज प्लेसमेंट इवेल्यूशन। जो सतत है, सतत मूल्यांकन है, जब भी हम निर्देशों की शुरुआत करते हैं तब लिया जाता है। जैसे हम जब कक्षा में जा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, जैसे ही हमने अपना इंस्ट्रक्शन चालू किया है, उससे पहले भी हम एक मूल्यांकन करते हैं जो इंट्रोडक्शन के द्वारा होता है, जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किया जाता है उसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है कि उनको पहले का क्या ज्ञान है जिसको हमको नए ज्ञान से जोड़ना है। तो उसका मूल्यांकन, वो भी एक सतत मूल्यांकन का पहलू है, जिसे हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन भी कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि सतत पहलू में मूल्यांकन के विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक विधियों से माध्यम से शिक्षाप्रद प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी शामिल होता है, जिसे रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। जब शिक्षा प्रक्रिया चल रही है क्लास में, जब हम टीचिंग करते हैं, तो बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं जिसके द्वारा इवेल्युएशन किया जाता है कि आपने कितना सीखा है, ये कितना आपको समझ आया है। जैसे पाठ पढ़ाते वक्त विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ को आगे बढ़ाने के लिए, और क्वेश्चन किए जाते हैं जानने के लिए कि उन कितना समझ आया है जो भी हमने पढ़ाया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मूल्यांकन, ये सब मूल्यांकन के द्वारा पाठ को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये भी एक सतत मूल्यांकन का ही पार्ट है। तो इस तरह का मूल्यांकन कहलाता है रचनात्मक मूल्यांकन। भाई, सतत मूल्यांकन से जुड़ा एक और पहलू मूल्यांकन की आवधिकता है। आवधिकता का अर्थ प्रत्येक इकाई या अवधि के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन अक्सर किया जाना चाहिए। मतलब सतत मूल्यांकन से जुड़ा हुआ पहलू है पीरियडिसिटी या पीरियडिक इवैल्यूएशन, जो हमने पहले देखा था कि ये दो पहलू हों सतत मूल्यांकन से, एक कंटिन्यूस और दूसरा पीरियडिसिटी। तो कंटिन्यूस तो ये है कि नियमित रूप से होना चाहिए, और पीरियडिसिटी है ये है कि नियमित अंतराल पे होना चाहिए। तो ये दोनों ही पहलू सतत मूल्यांकन से जुड़े हुए हैं। तो पीरियडिसिटी का ये अर्थ है कि प्रत्येक इकाई या अवधि के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन, मतलब जो बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस जैसा हो रहा है उसका इवैल्यूएशन करना, हर एक यूनिट के बाद, हर एक लेक्चर के बाद, मतलब एक निश्चित समय पर, निश्चित अवधि पर, ये एक इकाई के अंत पे या एक लेसन के अंत पे जो मूल्यांकन किया जाता है वो, उसे हम सबमिटिव इवैल्यूएशन कह रहे हैं, योगात्मक मूल्यांकन कहा जा रहा है। और इस तरह का इवैल्यूएशन को हम पीरियोडिक इवैल्यूएशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सतत मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स ऑफ कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। तो कुछ विशेषताएं हैं इसकी, वो देखते हैं, जिसमें पहला है रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, आकलन की नियमितता। तो इसमें आकलन जो होता है, जो हमारा, हम बच्चों के देख रहे हैं कि किस तरह का उनका परफॉर्मेंस हो रहा है, उसका आकलन नियमित रूप से किया जाता है कि अगर हमने आज जो पढ़ाया है उसका आकलन कर रहे हैं, क्लास वर्क दे रहे हैं या होमवर्क दे रहे हैं कुछ, या कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं उससे रिलेटेड, तो वो नियमित रूप से उनका आकलन चलते रहता है। तो ये एक विशेषता है सतत मूल्यांकन की। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स,
अधिगम के गैप का यंत्राल का निदान करना। तो जब बच्चे जब हम आकलन कर रहे हैं नियमित रूप से, तब हमको ये पता चलेगा कि बच्चे कहाँ पर नहीं समझ पाए हैं या उनको कहाँ पे कठिनाई आ रही है, ये इवैल्यूएशन के द्वारा हमको पता चल जाएगा। जब हमको ये जानकारी होगी कि उनको कहाँ पे समस्या हो रही है, कहाँ पे उनके लिए कठिनाई हो रही है कि वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, तभी उसका हम निदान कर पाएंगे। तो सतत मूल्यांकन की यही विशेषता है कि डायग्नोसिस द लर्निंग गैप। उसके बाद यूज़ द करेक्टिव मेजर्स, सुधारात्मक उपायों का उपयोग किया जाएगा। जब हमको पता चल जाएगा कि बच्चों को इस चीज़ में समस्या आ रही है, यहाँ पर समझने में कठिनाई हो रही है, तो उसके आधार पर हम करेक्टिव मेजर्स कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई सुधारात्मक उपाय, कोई शिक्षण विधियों का बदलाव करके, कोई अलग स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए, कुछ टीचिंग एड्स का नए यूज़ करते हुए, तो इस तरह से कुछ करेक्टिव मेजर्स का यूज़ करते हुए उसका निदान किया जाएगा। जब हम उसका उपाय, सुधारात्मक उपाय का उपयोग कर लेंगे, उनको फिर से अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा लेंगे, समझा लेंगे, उसके बाद से फिर पुनः परीक्षण लिया जाएगा। पुनः परीक्षण के लिए रीटेस्टिंग की जाएगी, पुनः इवैल्यूएशन होगा उसका, और देखा जाएगा कि वही लर्निंग गैप्स तो नहीं आ रहे हैं कहीं पर, बच्चों को सब चीज़ समझ आया है नहीं आया है। इस तरह से पुनः परीक्षण होगा, उस पुनः परीक्षण के आधार पर जो हमको रिज़ल्ट मिलेगा, जो एविडेंस मिलेंगे, उसके आधार पर शिक्षक और छात्रों दोनों को पृष्ठपोषण मिलेगा। शिक्षक को किस तरह से मिलेगा कि जो भी उन्होंने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया है नहीं आया है, वो बच्चे कहाँ तक के उसको सफल हो पाए हैं उसमें समझने में या बच्चों को समझाने में। छात्रों के लिए किस तरह का फीडबैक होगा कि उनको कहीं पर कठिनाई तो नहीं आ रही कोई नई चीज़ सीखने में, उसका किस तरह से समाधान किया जा सकता है। तो इस तरह से दोनों को, शिक्षक को भी और छात्रों को फीडबैक मिलेगा। तो ये होते हैं सतत मूल्यांकन के फीचर्स होते हैं जो इस तरह के थे। आगे देखते हैं हम कि सतत मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, पर्पस ऑफ कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। सतत मूल्यांकन के मुख्य तीन और प्राथमिक उद्देश्य हैं। पहला, एनहेंसिंग द स्टूडेंट लर्निंग, छात्रों के अधिगम को बढ़ाना। तो सतत मूल्यांकन के द्वारा जब हमको पता चलता जाता है कि बच्चों को कहाँ पे कठिनाई हो रही है, कहाँ पे नहीं समझ आ रहा है, कहाँ उनको और सिखाने की ज़रूरत है, तो इस तरह से और उसके ऊपर कार्य किया जाता है, सुधारात्मक उपचार किया जाता है, निदानात्मक शिक्षण दिया जाता है। तो इस तरह के द्वारा छात्रों के अधिगम को बढ़ाया जाता है। तो मेन उद्देश्य यह है कि एनहेंसिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग। दूसरा है इम्प्रूविंग द फैकल्टीज टीचिंग स्किल्स, संकाय के शिक्षण कौशल में सुधार करना। अगर कहीं पे शिक्षक ठीक से नहीं समझा पा रहा है किसी टीचिंग मेथड के द्वारा जो यूज़ कर रहे हैं, उससे बच्चों का अगर नहीं समझ पा रहा है, तो वो अपने शिक्षण कौशल में, स्किल में, अपने जो पढ़ाने के तरीके हैं उसमें सुधार ला सकता है। उसमें सुधार करते हुए बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं जिससे बच्चे अधिक से अधिक सीख सकें। तो इस तरह से इम्प्रूविंग द फैकल्टीज टीचिंग स्किल्स। तीसरा उद्देश्य है इम्प्रूविंग द एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट सिस्टम। पहले ही का ये सिस्टम होता था इवैल्यूएशन का कि पूरा सत्र ख़त्म होता था, उसके बाद एक बार इवैल्यूएशन होता था बच्चों का, उसके बाद सीधा रिज़ल्ट बता दिया जाता था। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता था बच्चों के लिए कि अगर उस समय परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो उसको पूरा सेशन फिर से रिपीट करना पड़ेगा, जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है बच्चों के लिए। तो इससे अच्छा है कि उनको पहले ही उसके लिए तैयार कर दिया जाए, उनकी जो मुश्किलें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उसका पहले समाधान कर दिया जाए। तो इस तरह से सतत मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों की जो कठिनाई है वो जान सकते हैं, उनकी समस्या समझ सकते हैं, उनके लिए उपचार कर सकते हैं, सुधारात्मक उपचार किया जा सकता है, निदानात्मक शिक्षण दिया जा सकता है कि फिर से उसको अच्छे से दूसरे टेक्निक से या दूसरे तरीके से पढ़ाते हुए उसको समझाया जाए। तो इस तरह से मूल्यांकन प्रणाली में भी सुधार हुआ है। इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि मूल्यांकन के जो पहले की जो पद्धति चली आ रही है उसमें सुधार करना, और सतत मूल्यांकन के द्वारा हमेशा लगातार उनका मूल्यांकन करते रहना।
तो ये हुए तीन उद्देश्य सतत मूल्यांकन के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सतत मूल्यांकन के महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस इवेल्यूशन, जिसमें पहला पॉइंट है अधिगम स्तर का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लर्निंग लेवल। वही बच्चों का हमको लेवल पता चलता है कि उनको कहाँ तक समझ आया, उनका अधिगम कहाँ तक हो पाया है, कहाँ तक वो सीख पाए हैं। तो लर्निंग अधिगम या लर्निंग लेवल का ज्ञान होता है, नॉलेज ऑफ लर्निंग लेवल। सेकंड पॉइंट है समस्या क्षेत्रों की पहचान, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज। मतलब बच्चों को कहाँ पे समस्या हो रही है, किस क्षेत्र में समस्या हो रही है, किस विषय में या किस टॉपिक में वो समझ नहीं पा रहे हैं, उन क्षेत्रों की पहचान हो जाती है। निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो उनका परीक्षण लेते हुए हम जान सकते हैं कि उनको कहाँ पे परेशानी हो रही है, जिसका हमको निदान करना है, जिसको हमको उपचार करना है। तो उस तरह से हम परीक्षण के द्वारा इस चीज़ को जान सकते हैं। अधिगम उपलब्धि में सुधार, इम्प्रूविंग लर्निंग अचीवमेंट। तो जब इनका सुधार हो सकेगा, उनकी समस्या की पहचान हो पाएगी, उसके अनुसार हम शिक्षण कर पाएंगे, तो उनकी उपलब्धि में भी सुधार आएगा। तो ये भी सतत मूल्यांकन का महत्व है। शिक्षक प्रभावशीलता की जांच, चेकिंग द टीचर इफेक्टिवनेस। मतलब शिक्षक का जो शिक्षण है वो कितना प्रभावशाली हो रहा है, वो कितने अच्छे से बच्चे सीख पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं, उनका अधिगम स्तर पता चल पा रहा है। तो उससे शिक्षक की भी प्रभावशीलता की जांच हो जाती है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था, अरेंजिंग रेमेडियल टीचिंग। तो जब तक कि हमको उनके ये नहीं पता चलेगा समस्या कहाँ पे हो रही है, कहाँ लर्निंग गैप्स आ रहे हैं, तब तक के हम उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो जब सतत मूल्यांकन के द्वारा हमको उनके लर्निंग गैप्स पता चल रहे हैं, उनकी समस्याएं पता चल रही हैं कि उनको किन क्षेत्रों में मुश्किलें आ रही हैं, तो उसके आधार पर उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अभिलेख निर्माण हेतु, फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स, इवेल्यूशन के द्वारा उनका जो भी रिकॉर्ड बनता है कि इन हर एक मूल्यांकन में, हर एक इवेल्यूशन पे उनका किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, कहाँ पे उनको मतलब कहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे उनको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, कहाँ पे रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता है, और कहाँ पे डायग्नोसिस की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको उनके अभिलेख के द्वारा या रिकॉर्ड के द्वारा पता चल सकती है। विद्यार्थियों का स्वमूल्यांकन हेतु, टू सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। विद्यार्थियों का अपना स्वयं मूल्यांकन होगा कि वे अभी कहाँ पे हैं, उनको क्या चीज़ें अच्छे से वो सीख जा रहे हैं, कहाँ पे उनको कठिनाई आ रही है, कहाँ पे उनको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों को अपना स्वयं से स्वयं का भी उनका मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिभावकों को सहायता, टू हेल्प पेरेंट्स। ये भी एक महत्व है कि अभिभावकों को भी सहायता मिलती है कि पहले ये होता था कि लास्ट में पढ़ना है तो बच्चों के ऊपर भी, अभिभावकों के ऊपर भी एकदम बर्डन आ जाता है कि उनको बच्चों को इतना सिखाना है, पढ़ाना है एक साथ पूरे साल का। वहीं सतत मूल्यांकन के द्वारा ये होता है कि पेरेंट्स छोटा थोड़ा 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 पार्ट हमेशा तैयार करवा सकते हैं बच्चों से। तो इस तरह से पेरेंट्स का भी हेल्प होता है, प्लस बच्चों का रिज़ल्ट किस तरह का आ रहा है, उनका परफॉर्मेंस किस तरह का हो रहा है, तो वो सतत मूल्यांकन के द्वारा पता चल सकता है, ताकि उनको लास्ट में कोई परेशानी ना आए और वो स्मूथली अपना परफॉर्मेंस दे पाए। स्वस्थ प्रतियोगिता का निर्माण, फॉर मेकिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन। जब एक क्लास में पढ़ रहे हैं और वहाँ मूल्यांकन हमेशा होते रह रहे हैं बच्चों को, तो उसमें भी एक स्वस्थ प्रतियोगिता आ जाती है, हेल्दी कंपटीशन आ जाता है बच्चों में कि हमको और अच्छा परफॉर्मेंस करना है। क्योंकि इसका रिज़ल्ट कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको आगे की कक्षा में प्रमोट करना है या ऐसा करना है, आगे बढ़ना है, तो वो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता है जो हमेशा डे टू डे हमारा रेगुलर बेसिस पर जो इवेल्यूशन हो रहा है, तो उसके आधार पर बच्चों में ये रहता है कि नहीं हम अच्छा परफॉर्म करें। तो यहाँ पर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन का भी निर्माण करता है सतत मूल्यांकन। अनावश्यक दाब में कमी, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर। तो अनावश्यक अगर दबाव पड़ रहा है बच्चों को, जैसे जब लास्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें उस टाइम ये होता है कि
पूरी चीज़ें इकट्ठा एक साथ उनको पढ़नी होती है, जिसके वजह से उनमें काफ़ी प्रेशर हो जाता है। अगर हम यही हमेशा सतत उनका मूल्यांकन चलता रहे, कंटिन्यूस इवेल्यूशन होता रहे समय समय पर, तो वो जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो तैयारी पहले ही होते रहती है, उनकी जो कठिनाई है, जो जो समस्या आ रही है वो भी दूर होती जाती है, तो इसलिए उनमें प्रेशर भी कम हो जाता है। वर्ष भर सक्रियता, एक्टिवनेस इन सेशन, जिसमें पूरे सेशन में वो बच्चे एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनका कंटिन्यूस इवेल्यूशन चलते रहता है। हमेशा एक लेसन का ही ले लें या एक लेक्चर की ही बात कर लें, तो एक लेसन में भी उनका, पूरे लेसन में भी 40 मिनट का अगर लेसन है तो उस लेसन में भी बहुत बार उनका मूल्यांकन होते रहता है, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन द्वारा, डेवलपमेंट क्वेश्चन द्वारा, जब हम रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन करते हैं उसके द्वारा, तो इस तरह से पूरा उनका कंटिन्यू इवेल्यूशन होते रहता है। तो ऐसा है कि इस तरह से पूरे सेशन उनका इवेल्यूशन चलते रहता है, इसलिए बच्चे भी पूरे साल एक्टिव रहते हैं। ये थे सतत मूल्यांकन के महत्व। अब हम देखते हैं कि सतत मूल्यांकन के लाभ क्या हैं, एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस इवेल्यूशन। सतत मूल्यांकन छात्रों के प्रदर्शन के शुरुआती संकेत प्रदान कर सकता है। सतत मूल्यांकन के द्वारा हमको बच्चों के शुरुआत में ही किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है वो पता चल जाता है, तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों की जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान कर सकते हैं। कि शुरू में ही अगर हमको पकड़ में आ जाए कि बच्चों को कहाँ पे कठिनाई हो रही है, तो उसके आधार पर हम उनको उसका समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है समावेशन की भावना में वृद्धि, एन इंक्रीज सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस। तो इसमें यह है कि बच्चे में समावेशन की भावना की वृद्धि होती है, कि सभी बच्चे को एक साथ ही कोई चीज़ का एग्ज़ाम देना है, सभी को बराबर मौका दिया जा रहा है परफॉर्म करने का, प्लस सभी के पास सामग्री एक तरह की, सभी को एक तरह का पढ़ाया गया है, जिसके आधार पर उनको पूरा मौका दिया गया कि वो एक तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, तो इस तरह से उनमें इंक्लूसिवनेस की भावना की भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी के लिए उच्च शिक्षण मानक, हायर लर्निंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल। तो सतत मूल्यांकन क्या करता है कि सभी के लिए एक हायर लर्निंग स्टैंडर्ड सेट करता है, कि अगर जो ब्राइट स्टूडेंट है वो तो अपने अच्छे से प्रगति कर पाएंगे, लेकिन जहाँ जो बाकी स्टूडेंट हैं वो भी बराबर तरीके से अपने आप को एंगेज रखते हैं इस तरह के इवेल्यूएशन में, प्लस वो जो स्टैंडर्ड है उसको पाने के लिए भी वो एक तरह से कोशिश करते रहते हैं, एक तरह से कहना चाहिए कि जो भी चुनौती भरा उन लोगों के पास माहौल रहता है वहाँ पे, तो उससे वो निकलना चाहते हैं और उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह से सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चों में हायर लर्निंग स्टैंडर्ड दिया जाता है। तो ये हो गए सतत मूल्यांकन के लाभ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सतत मूल्यांकन के दोष क्या हैं, डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस इवेल्यूशन। ग्रेटर स्टडी प्रेशर, अधिक से अधिक अध्ययन का दबाव, जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम सिस्टम होता था कि पहले के साल के अंत में ही एग्ज़ाम होगा, तो उस समय से बच्चों और टीचर का ध्यान हमेशा उस फाइनल एग्ज़ाम के तरफ रहता था, तो उस समय ये होता था कि बच्चे एक बार जो तैयारी करते थे, एक बार जो प्रेशर में कर लेते थे तैयारी, और एक ही बार उनको प्रेशर लेना पड़ता था, प्लस कुछ समय देना पड़ता था जिसके आधार पर वो कुछ अच्छा ग्रेड भी हासिल कर लेते थे। लेकिन सतत मूल्यांकन के द्वारा ये प्रेशर उनके ऊपर हमेशा बना रहता है कि उनको हमेशा डे टू डे उनको एक तरह से इवेल्यूएट किया जा रहा है, तो इस तरह से उनमें ग्रेटर स्टडी प्रेशर बना रहता है कंटिन्यूस इवेल्यूशन के कारण। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है रिस्क ऑफ प्लेगरिज्म, साहित्य चोरी का जोखिम। जो कंटिन्यूस इवेल्यूशन का एक मेन जो इम्पॉर्टेंट रोल करता है वो है असाइनमेंट, होमवर्क, इसके द्वारा भी हम कंटिन्यूस इवेल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए या अपना स्कोर अच्छा करने के लिए किसी और का दिया हुआ ज्ञान या किसी और का बनाया हुआ
किसी और से लेकर, तो इस तरह से वो कहा जाए कि चोरी कर कर या दूसरे का देख कर वो भी बना के दिखा सकते हैं, जिससे कि उनके भी स्कोर अच्छे बन जाए। तो यहाँ पे यही एक दोष है सतत मूल्यांकन का कि साहित्य चोरी का जोखिम होता है, रिस्क ऑफ प्लेगरिज्म। तो ये है सतत मूल्यांकन जो आज हमने पढ़ा है पीरियोडिसिटी ऑफ इवेल्यूशन के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कंटिन्यूस इवेल्यूशन जो होता है छात्रों के सभी पक्षों का मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम में नहीं करके क्या होता है, लगातार निरंतर रूप से करते रहता है। और ये पूरी जो हमारी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह से चलते रहता है, मतलब सत्र की पूरी अवधि में फैला हुआ रहता है। इसके द्वारा हमको मूल्यांकन की जो नियमितता होती है उसका ज्ञान होता है, जो अधिगम अंतराल हो रहे हैं, अधिगम गैप हो रहे हैं उसका ज्ञान होता है, जिसके आधार पर हम उनका निदान कर सकते हैं, कुछ सुधारात्मक उपचार कर सकते हैं, और छात्रों को प्लस शिक्षकों को इसके द्वारा फीडबैक मिलता है। तो ये हो गया सतत मूल्यांकन। इसके आगे के हम लेक्चर में पीरियोडिक इवेल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।